नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडी न्यूज़ दबी जुमा की दास्ता में आपके साथ सत्यम कुमार। तो आइए रुक करते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। कटिहार जिला के पराड़ी प्रखंड के लक्ष्मीपुर पंचायत वार्ड संख्या 7 में 11,000 का बिजली तार गिरने से 4 पशु की मौत। पशुपालक का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है पशुपालक दूध दुहने जा रहे थे, उसी समय अचानक तार टूटने से सुबोध यादव पिता स्वर्गीय डोमन यादव के 4 पशु, 3 भैंस, 1 बच्चा झुलसकर मौत हो गई। करीब भैंस की कीमत लगभग 3 लाख के आसपास बताया जा रहा है। सुबोध यादव के लिए एकमात्र पशु ही सब कुछ था। क्या कहते हैं परिजन व जनप्रतिनिधि, से आगे देखिए इस खबर में श्रवण कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। वही कनेक्शन से तक नहीं भेल माहिस में टूटल माहिस ही टूटल हाँ माही टूटल जो खड़ा हो भैया लक्ष्मीपुर में सुबोध यादव का सुबोध यादव 4 घटना हुई है यहाँ पे। यहाँ पे घटना हुआ, 4 गो भैंस था उधर, अथी भैंस दूता था मेरा घर वाला, वो तार हटा से गिर गया एकदम, भैंस पे गिरा तो भैंस छटपटा के नहर में गिर गया। तब पर भी मेरा घर वाला को अति हुआ, झटका लगा, तो हम सब लोग चिल्लाए भागिए ना, अब आप भी मर जाइएगा। तब इधर आया, इधर आया तो तातक में तो अति हो गया, लग 4 आदमी था, 4 आदमी को भी करंट लग गया, वो भी छटपटा के उधर गया, उसको चौकी पे सुलाया, उधर उसको आदमी सब लगा तो अति हुआ। क्या गो भैंस? मेरा 4 गो भैंस है, एक के गरीब लोग है मेरा, तो वही भैंसे का आशा है और कुछ नहीं। क्या 1000 का तार गिरा था? 11,000 का तार है सर, 11,000 का वो गिर गया। तो जिला प्रशासन क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन तो यही कहते हैं हमको कुछ नहीं, हम गरीब आदमी है, यही 4 गो भैंस को आशा है, दूते है, खाते है, यही हमको 4 गो भैंस को हमको चाहिए, मुआवजा चाहिए। हाँ, क्या नाम हुआ? मेरा नाम है मीनू। घर लक्ष्मीपुर। वार्ड संख्या कितना है? 7 नंबर। मुझे की घटना है ग्राम लक्ष्मीपुर में, 11,000 का तार गिर जाने से मवेशी, 4 मवेशी की मौत हो गई और मवेशी जी पालक को झटका, बिजली का झटका का एहसास है, जो इलाज के लिए गए हुए हैं। तो क्या लग रहा है, लापरवाही? बिजली विभाग की लापरवाही कहा जाए, कहे कि पोल में तार 11,000 का सटने के कारण ऐसी घटना को घट गई, बहुत दुखद और चिंतनीय घटना है, इसका समाधान अस्थायी रूप से हो, बिजली विभाग आके अपना इस तार की व्यवस्था करे। कौन सा तार गिरा है? 11,000 तार। 4 भैंस की मौत हुई? 4 भैंस की मौत हुई। तो अभी तक बिजली विभाग वाला नहीं आए हैं? नहीं, बिजली विभाग के अभी तक तो नहीं आए हैं, डॉक्टर भी नहीं है, पशु चिकित्सा पदाधिकारी भी नहीं है, खबर की है से तो आ गए हैं। तो बुलवाइए। क्या नाम हुआ? पशु चिकित्सा पदाधिकारी से आए हुए थे उनके यहाँ से। मेरा नाम राजीव कुमार भारती, लक्ष्मीपुर मुखिया प्रतिनिधि। का मामला आया और 4 भैंस की मौत हो गई, क्या कहना है इस पर? यही विभागीय लापरवाही है। आप देख रहे हैं कि आम जनता का यहाँ सड़क है, इसके ऊपर में जो है यहाँ पे विद्युत तार दौड़ाया गया और जान माल की क्षति हुई है। देखते हैं कि एक गरीब लोग जो किसी तरह पशु पाल के अपना जीवन यापन करता है और उस परिस्थिति में आज उनकी जो क्षति हुई है उसकी भरपाई होनी चाहिए और विभागीय लापरवाही जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे ही जानकारी मिली हम यहाँ तुरंत आए जी, माननीय वार्ड सदस्य के द्वारा जी, तुरंत हम जेई जो है इलेक्ट्रिक उनसे बात किए, फिर कार्यपालक अभियंता विद्युत अरमान साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इसका मुआवजा हम 20-25,000 प्रति भैंस हम देंगे। वीडियो साहब से भी बात हुई है, सीओ साहब से बात हुई है, सब लोग आ रहे हैं, थाना से भी बात हुई है, थाना अध्यक्ष महोदय से। कितना भैंस था?
चार भैंस आप खुद देख रहे हैं, और चारों भैंस में तीन भैंस दुधारू भैंस था, तो बहुत बड़ी क्षति मुझे लगता है कि 3-3.5 लाख की क्षति हुई है इनको। और कितना वोल्ट का ये तार गिरा है जो 11,000 मतलब ऊपर है, 33,000 नीचे? कौन सा तार गिरा? 33,000 ऊपर है, दोनों सट गया, गिर गया 11,000 तो बहुत बड़ी क्षति हुई है। अब तो जान बच गई इनकी, नहीं तो बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य हम लोग के लिए होता, दुर्भाग्य तो है ही, बहुत बड़ी क्षति हुई है। विभाग को इसको 3.5 लाख रुपया मुआवजा भी देना चाहिए, मांग करता हूँ पूर्व प्रमुख बरेली। सुबोध यादव का, सुबोध यादव 4 ठो।